जिस रिजवान को पाकिस्तान की हार का कारण बताया जा रहा है, उनके बचाव में उतरे को एशिया कप फाइनल मुकाबले में धीमी बल्लेबाजी को लेकर आलोचना झेल रहे मोहम्मद रिजवान को लेकर टीम के कोच ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि हर खिलाड़ी का अपना अपना स्टाइल होता है। उन्होंने बाबर आजम का भी सपोर्ट किया। एशिया कप फाइनल मुकाबले से पहले इस टूर्नामेंट में कोई भी टीम इस मैदान पर टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए जीत नहीं पाई थी, लेकिन श्रीलंका ने यह भी कर दिया और पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान को 23 रनों से हराकर एशिया कप ट्रॉफी जीती। 171 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए पाकिस्तान की तरफ से मोहम्मद रिजवान ने 49 गेंदों पर 55 रन की पारी खेली। उनके बल्लेबाजी के इस अप्रोच की निंदा भी की जा रही है, क्योंकि वो जब 17वें ओवर में हसरंगा की गेंद पर आउट हुए पाकिस्तान के हाथ से मैच निकल चुका था। उस वक्त पाकिस्तान को 23 गेंदों पर 61 रन चाहिए। पाकिस्तान के हेड कोच सकलेन मुश्ताक ने रिजवान के अप्रोच का समर्थन किया है। मैच के बाद उन्होंने कहा कि हर खिलाड़ी का अपना एक तरीका होता है, हर टीम और खिलाड़ी का एक तरीका होता है। जिस प्रकार से हम खेलते हैं, हम पिछले T20 वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल तक पहुंचे और यहां हम फाइनल में पहुंचे। ये इस बात का सबूत है कि आप सही दिशा में काम कर रहे हैं। ये जरूरी नहीं है कि जो पूरी दुनिया कर रही है आप उसी चीज को फॉलो करें। हम दूसरों को फॉलो करने की बजाय छोटी छोटी चीजों पर फोकस करते हैं, उनका अंदाज बुरा नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, मोबाइल न्यूज 24/7।